नेक्स्ट मैच की यहाँ अगर बात की जाए तो वह है नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हाँ, इससे पहले भी मैच प्रीव्यू हमने जो नेपाल वर्सेस श्रीलंका किया था, काफी सारी डिस्कशन उसने की, लेकिन डेफिनेटली बारिश ने जो है पूरा, उम्मीद भी थी कि बारिश काफी ज्यादा, एक्सपेक्टेशन भी थी कि बारिश जरूर होने वाली है, लेकिन पूरा ही वॉश आउट होगा ये कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और बहुत जल्दबाजी भी की गई उस मैच में, आप कह सकते हैं 40 मिनट 50 मिनट करीब करीब हुए मैच शुरू होने टाइम के बाद से, और कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, थोड़ा वेट किया जा सकता था, लेकिन चलिए वो मैच अटेंड हो गया, लेकिन उसमें भी काफी डिस्कशन थी। बहुत अच्छा ये कम से कम को मिलता है कि पहले मैच से सेकंड मैच में टीम में कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फील्डिंग डिपार्टमेंट में, वो देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका। बहुत टफ मुकाबला, बहुत टफ, कोई दोहरा नहीं है, बहुत टफ मुकाबला है। साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है और इन फॉर्म है, बॉलर्स उनके जबरदस्त कर रहे हैं, पेस का एक अलग सामना होगा नेपाल के बैट्समैन का, शॉर्ट बॉल्स को, शॉर्ट बॉल एक अलग चैलेंज होंगे, तो बहुत एक अच्छा कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रांग टीम सामने यहां पर है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मामले में हम यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि चलिए आप टीम को हरा दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, हरा दिया वो देख, तो बिगेस्ट अपसेट में से होता है, कोई दराय नहीं है, लेकिन कम से कम जो एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी कि एक अच्छा स्ट्रांग फाइट देखने को मिले नेपाल की तरफ से, वो कम से कम हमें देखने को मिले, कम से कम उस तरीके का भी यार जो पीएनजी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखाया था। बिल्कुल सही कहा है आपने। और एक फाइट जैसे मैच खत्म हो तो हमें लगे कि नहीं यार मजा आया, मतलब बहुत तड़पा दिया साउथ अफ्रीका को इस मैच में, जो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और होना भी चाहिए यही, एक 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 सोच के साथ उतरना चाहिए कि क्या कैसे क्रिकेट कैसा खेला जा रहा है, क्रिकेट का बाल कितना उठा पाती है नेपाल, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट यही देखा जाएगा कि आपने क्रिकेट कैसा खेला है, बाहर क्या आवाज हो रही है, कितने फैन आए हैं, क्या नहीं आए, वो सेकेंडरी चीजें होती है, पहली चीज जो है वो आपने क्रिकेट किस तरीके का खेला है। एक साल में आपको कई मौके मिले, बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई, इंडिया आई, पाकिस्तान भी आई, और भी टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह के साथ भी खेलना हुआ, लेकिन क्रिकेट कितना बेहतर हुआ हमने वो देखा, कहीं बहुत ही खराब हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो कम से कम साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके का क्रिकेट नेपाल खेलता है ये बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, तो इसलिए हमने शुरू में ये क्लियर किया कि क्या यहाँ पर करना होगा नेपाल को इस मैच में कि आप इंप्रेसिव कैटेगरी में हॉल्स को डालें, वो है क्रिकेट अच्छा खेलना होगा। अगर आपने क्रिकेट अच्छा खेला, इंप्रेस करने में कामयाब हुए, तो फिर रिजल्ट कोई खास मैटर नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश वाले मैच में रिजल्ट मैटर करेगा, वहाँ बहुत और है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट अगर टीम दिखा पाए तो बहुत उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। अब कुछ चीजों की बात करते हैं, ग्राउंड की बात करें, उसी ग्राउंड पर होना है जहाँ बांग्लादेश वर्सेज नीदरलैंड मैच हुआ है, वही पिच पिच का भी इस्तेमाल यहाँ पर होना है, और लगभग 10 साल बाद कोई T20 फॉर्मेट का मैच उस ग्राउंड पर खेला गया है। कल भी हमने मैच देखा, बांग्लादेश का जिससे पिछले बिहेव किया बहुत बेहतर है, बाकी बहुत अच्छा रही है, उसमें आसपास बहुत पिच बेहतर है, बल्ले पे गेंद अच्छे से आ भी रही है, स्कोर्स भी अच्छे बनेंगे, एंड एवरेज टोटल वगैरह, टॉस जीतकर पहले बैटिंग बॉलिंग सबके बारे में थोड़ा अपडेट दे दीजिए। उससे पहले वेदर की बात कर लेते हैं, वेदर में इस बार बारिश की बिल्कुल चांसेस नहीं है, 5 से 10% बारिश की चांस है, यानी मैच जो है वो पूरा आराम से होगा, कम से कम वेदर फॉरकास्ट तो यही है। जरूर देखिए, अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 160 के अराउंड रहता है आर्मी स्क्वायर ग्राउंड में, और जो है यहाँ टॉस जीत कर यहाँ पर आप पहले बैटिंग लें तो बहुत बेहतर होगा टॉस जीत कर, क्योंकि नीदरलैंड्स ने जो ये टॉस जीता, उन्होंने उनका ये फैसला जो था वो बैकफायर कर गया उन्हें कल के मैच में, ये क्लियर हमें दिखा है। लेकिन इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे जो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पर 17 में से 12 मैचेस डिफेंड करने वाली टीम जीती जी, पहले बैटिंग करने वाली, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने आप में ये एक सोच की बात है। यहाँ पर जो पिच है वो आपको दिखा रही है कि आपको टॉस जीत कर करना होता है, अब आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो ओके, उसके लिए भी यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, 4 मैचेस यहाँ पर टीम ने जीते हैं, चेस करते हुए यहाँ जीते हैं, तो ओके है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बैटिंग का बार, बॉलिंग का बार और ज्यादा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर टीमें नहीं कर पाती हैं और वो हार जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ उसी के साथ जाए तो बेहतर होगा, टॉस जीत कर पहले बैटिंग। बिल्कुल, इसके आने बताया 17 में से 12 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 4 बार बाद में बैटिंग करने वाली, और एक मैच नॉट रिजल्ट यहाँ पर रहा है, तो ये हाल रहा है। और कल भी आप देखिए एट डाइन विनर जो है वही टीम हुई जिन्होंने पहले बैटिंग की बांग्लादेश, तो इसी के साथ जाए टॉस के पहले बैटिंग करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउथ अफ्रीकन पेसर्स को हैंडल करना।
नो डाउट ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा नेपाल के बैट्समैन के लिए, साउथ इंडियन के पेसर्स हैं उनको हैंडल करना, और जो शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल भी पूरी मिलेगी बहुत ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि किया भी गया साउथ इंडियन पेसर्स की तरफ से। अब ये देखना पड़ेगा कि वो इस मैच के लिए नॉर्गिया को रेस्ट देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि वो इंजरी भी काफी बहुत जल्दी लग जाती है, सुपर रेट के मुकाबले आने हैं। अगर उन्हें रेस्ट दिया जाता है तो उनकी जगह पर गिराल कॉल्जी आ सकते हैं, उनकी भी पेस बहुत अच्छी है, 140 से अबव का एवरेज स्पीड रहता है, तो स्पीड सबसे बड़ी एक दिक्कत होगी, जो कि ओमान के आकिब इलियास ने भी कहा ये इंग्लैंड के मैच के बाद कि हम अमूमन साल भर में कितनी बार इतना पेस खेलते हैं, 140 150 की स्पीड रह रहे खेलते खेलते ही नहीं है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इतना आसान ये चीजें होंगी नहीं, तो पेस जो है वो एक अलग सरदर्द होगा टीम के लिए, उसे टैकल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, साथ साथ में शॉर्ट बॉल्स जो इस्तेमाल की जाएंगी उसको भी उसे पार पाना एक अलग चैलेंज जरूर होगा। लेकिन यार इसमें एक छोटा सा चीज है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, इतना आसान नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, लेकिन एक चीज अगर आप ट्राई किए कर सकते हैं वो जैसे कि हम लगातार कहते हैं कि इस तरह के मैचेस में ऐसे ओपनर के सामने तो स्ट्राइक रोटेशन जैसी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप कोशिश करें कि नहीं मतलब शॉर्ट्स के लिए नहीं जाएंगे, हम सिंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे, और जब भी दो पेयर सामने हो, जब भी दो पेयर बैटिंग कर रहे हो, एक पेयर को ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ सिंगल ही निकाले और बाकी जो दूसरा प्लेयर वो कोशिश करे अगर कोई बैट बॉल आती है तो उसको बाउंड्री के बाहर भेजने की, और सबसे बात रहेगी पेस के हिसाब से बॉल को खेलना, कि विद पेस अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे, तो हम देखते हैं बहुत अमूमन बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पेस का इस्तेमाल करते हैं अपने शॉट्स निकालने के लिए, सिंगल भी निकालने के लिए, कभी थर्ड मैन में कट कर देना, कभी फाइन लेग पे फ्लिक कर देना, कभी कवर्स को निकाल देना, तो ये कभी लेग साइड पे निकालना, पेस का यूज करके अगर आप शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा थोड़ी सी आसानी होगी, बजाय अगेंस्ट ना जाकर कि कैसे भी बॉल मुझे सिर्फ बल्ला घुमाना है या मुझे कवर पे लेना है हिट करना है, उस पर शायद आपको दिक्कत होगी, किस किस चीज की पेस ज्यादा ना खेल पाने की, क्योंकि इतना पेस खेलने की टीम आती नहीं है, तो अचानक से इतनी पेस आएगी तो टीम को दिक्कत जरूर होगी, तो विद द पेस खेलने की पेस का सहारा लेकर बॉलर की स्पीड का सहारा लेकर अगर आप उसको खेलने की कोशिश करेंगे शॉट्स को, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, और टीम कोशिश करेगी पूरे ओवर कंप्लीट करे, बैटिंग करे, और साथ साथ में सिंगल्स जितने निकाल सके उतना बेटर रहेगा, अगर आप हर ओवर में 3-4 सिंगल भी निकालने में कामयाब रहते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम आप लेकर जा सकते हैं 15 ओवर तक, उसके बाद फिर देखें चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, क्या कहें, बिल्कुल सही कहा, यही प्लान एक रह सकता है, कि पेस जो है उसे हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो, बिल्कुल बिल्कुल, और एक बॉलर होता तो चलिए कोई बात नहीं, एक बॉलर है वो 140 की डाल रहे हैं तो आप उन्हें आराम से टैकल कर, चलिए उनके चार ओवर निकाल दिए, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर रबाडा भी है, बैटमैन भी है, उसके बाद नॉर्किया भी है, और वो खेलते नहीं है तो ग्रैंड क्वालिटी, तो वो भी अपना स्पीड को लेकर लेकर आते हैं, तो थोड़ा दिक्कत यहाँ जरूर रहता है, इसलिए बेहतर होगा कि जैसा आपने बताया स्ट्राइक रोटेशन करके चले, इस मैच में तो और ज्यादा कंपलसरी है स्ट्राइक रोटेट करना, बिल्कुल, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन दिखा तो नहीं है हमें नेपाल की तरफ से ऐसा कोई इंटेंट, काफी मैचेस T20 के हमने भी फॉलो किए हैं, पर प्लीज होप यही रहेगा कि नेपाल यहाँ आकर अब बड़े स्टेज में साउथ अफ्रीका जैसे ओपोनेंट के खिलाफ अब एक बेहतरीन शो दिखाए, शो का मतलब ये नहीं कि चौको छक्को वाला शो, एक डिसेंट एक अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाए, सिचुएशन की रेस्पेक्ट कर, बिल्कुल, तो यही चीज देखनी होगी, जैसे मैंने कहा बैटिंग में तो यही प्लान है, पेस का इस्तेमाल कर आप शॉट्स खेलें, और स्ट्राइक रोटेशन आप जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे इस तरह की बॉलिंग में, जहां जिस तरह की बॉलिंग को आप खेलने के इतने आदी है नहीं। और उसके बाद अब यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए यार, तो यहाँ पर संदीप लामिछाने का इंट्रोडक्शन हुआ है, नो डाउट प्लेइंग 11 में आएंगे, देखिए प्लेइंग 11 के साथ जहां तक हम बात करें दोनों संदीप को आपको यहाँ पर अंदर करना होगा, संदीप जोरा और संदीप लामिछाने, और किन्हें आउट करना है वो कोच और कैप्टन अपने हिसाब से देखेंगे आखिर किन्हें वो आउट करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में संदीप जोरा को बैटिंग लाइनअप में एड ऑन करिए, और संदीप लामिछाने तो ऑब्वियस सी बात है जब वो आए हैं तो यहाँ पर एड ऑन होंगे ही होंगे, एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या आपको देखने लग रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है, वहां पर तो नेपाल को हर हाल में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही टीमों ने अभी तक किया, जी हाँ, तो नेपाल को भी हर सूरत में करना चाहिए, नीदरलैंड का टॉप ऑर्डर खड़ा है, बांग्लादेश टीम का टॉप ऑर्डर खड़ा है, और एक और टीम अगर मैं देखूं श्रीलंका ने भी उनका टॉप ऑर्डर उठा है, सभी ने उनके टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया है, और नेपाल को भी ये काम करना है, क्योंकि तीनों ही टीमों ने ये करके दिखाया है, नहीं बिल्कुल सही कहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि है वो स्ट्रगल कर रहे हैं जी, और आप उस पर ये एरन मैकन खुद कह चुके हैं, बिल्कुल, तो आप उस पर जोरदार हथौड़ा मारेंगे तो और अच्छा होगा, इस वक्त अगर जब वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं तो नेपाल के बॉलर्स के पास चांस है कि शुरू के 6 ओवरों में 2 विकेट अगर निकाल पाए तो बहुत बेहतर होगा, उसके बाद आप स्पिनरों से
प्रेशर बना सकते हैं। संदीप और सागर ढकल है, दीपेंद्र सिंह हैरी है, उनका फायदा पहले वाले मैच में नहीं उठाया था रोहित ने इतना, दो ओवर में उन्होंने 6 ही रन दिए थे, 1 विकेट उन्होंने निकाला था, तो उनका फायदा भी आप यहाँ निकालने की कोशिश करें। 6-7 से 15 ओवर के बीच में अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेम का हिस्सा, पर ये तभी मुमकिन होगा और ज्यादा अच्छी मिले, बस ये तभी और इफेक्टिव होगा मिडफेस स्पिनरों के साथ जब 6 ओवर में साउथ अफ्रीका के विकेट हमें यहाँ नजर आएंगे। अदरवाइज अगर नहीं गिरा 6 ओवर में विकेट तो बहुत ज्यादा, तो कितनी वापसी आखिर करेंगे, बस बस, तो कम से कम शायद स्कोर आप देखें कहीं ऐसा ना हो जाए 170-180 स्कोर खड़ा ना कर दे साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, उसके लिए डेफिनेटली आपको पावर में डेंट करना ही, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर नेदरलैंड, सबने किया, सबने अपने पावर प्ले में पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को अपने घुटनों पर ला दिया था जब भी वो बॉल करने के लिए आए। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी विकेट दिलाते हुए ऊपर वो मैच जीते हैं, लेकिन फर्स्ट पावर प्ले में तीनों टीमों डाउन कर आपको भी ये मेक श्योर करना है कि आप 2-3 विकेट साउथ अफ्रीका के हराने निकाले, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स है वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, चाहे वो डीकॉक हो और मार्कन खुद क्यों ना हो, बिल्कुल भी रन और रिदम में वो नजर नहीं आ रहा है। मिलर और क्लासन ने ही अब तक साउथ अफ्रीका की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। तो ये बात होगी वर्ल्ड मार्केट में, संदीप लामी चाहने के लिए जैसे हमने पहले भी कहा हमारे कल के वीडियो में कहा था, मिस आउट किया है तो उसे ऊपर जरूर जाकर सुनिए, वही कहा कि लाइन और लेंथ देखनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह से होती है उन्हें मैचेस मिले नहीं है, काफी लंबे वो डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो लाइन और लेंथ अपने पहले ओवर से पकड़ने में कामयाब हो गए तो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है देखने को मिल सकती है, वरना शायद हमें थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर लाइन और लेंथ पकड़ लिया तो अच्छी बात है, तो टीम के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन फायदेमंद वो तब ज्यादा होगा जब पावर प्ले में पेसर जो है साउथ अफ्रीका के विकेट गिराने में कामयाब हो, जो बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का अपने विकेट 2-3 ले लिए तो डेफिनेटली मैच में आप 15 ओवर तक तो कम से कम बने बने रहेंगे और लंबा ये मैच खींच जाएगा। ये छोटी सी बात जल्दी से यहाँ फिनिश करेंगे उसके बाद कि यहाँ पर थोड़ा हमें बेटर होना दिखने में भी आना चाहिए, क्यों उसका एक रीजन भी है, मोंटी देसाई सर वेस्ट इंडीज में बहुत सालों तक रहे हैं, उसके बाद जो बॉलिंग कोच है वो भी वेस्ट इंडीज के हैं, ऑब्वियसली उन्हें बहुत नॉलेज होगी यहाँ की, और तीसरे यहाँ संदीप लामी चाहने यहाँ आ गए जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत खेले, तो इसलिए दिल्ली क्रिकेट और उम्मीद करेगा कि यहाँ पर हमें बेटर से भी बेटर परफॉर्मेंस अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर दे कम से कम। बिल्कुल सही, तो बेटर से भी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ हमें नजर आया, वरना डिसअपॉइंट तो पहले मैच में भी हम काफी हुए थे जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं, अब फिर से हम वही कहेंगे भूलने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट को, कम से कम यहाँ पर एक नेपाल फ्रेश तरीके से बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए, क्यों एडवांटेज भी बहुत है क्योंकि 3-3 जो इस टीम में मेंबर हैं वो यहाँ के एटमॉस्फेयर से काफी वाकिफ। बिल्कुल, और विंडवार्ड आइलैंड के खिलाफ जब मैच खेलने के लिए टीम विंडवार्ड में आई थी इस जोन में, तब यही चीज कहा गया था कि जो है कंडीशंस को जानने के लिए खास करके ये दो मैचेस रखवाए गए हैं, तो उन कंडीशंस में दो मैचेस टीम ने खेले हैं, ऑब्वियसली ओपनिंग इतने अच्छे नहीं रहे लेकिन कंडीशंस को जानने में कितने कामयाब हुए, वो दो मैच कितने फायदेमंद हुए कंडीशन को जानने में, ये इसका भी टेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाला। सर ने आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक, यहाँ क्रिकेट जीत की बात नहीं, जीत की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा क्रिकेट हो, फाइट हो, लगे कि हाँ नेपाल ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, तंग करने से नेदरलैंड ने किया साउथ अफ्रीका को, पूरी मशक्कत करनी पड़ गई, मिलर को तारीफ करनी पड़ी, तो एडन का अच्छा एडन माकरम पोस्ट मैच कंडीशन में नेदरलैंड्स की तारीफ करने लगे कि बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट दिया, नेदरलैंड हमें काफी तंग कर रहा है, बस ये तारीफ आ जाए, बस परफॉर्मेंस की तारीफ आ जाए, बस वहीं पर दिल्ली क्रिकेट बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन जीत की बात बांग्लादेश वाली सीरीज में हर हाल में होगी, वहां एक्सक्यूज की बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट, अच्छा फाइट, एक अच्छी कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाए उसी में बहुत खुशी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट मैच के लिए, फाइनली अब बारिश नहीं है तो क्रिकेट पूरा होगा फिलहाल इस वीडियो में।